तो हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे FCI वुमेंस T10 मैच के बारे में, जो कि वुमेंस T10 का नया मैच है। तो इस वीडियो में दोस्तों सभी प्लेयर्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक है। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आपको सारी वीडियोज़ इस चैनल पर मिलेंगी सारे मैचेस की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मैच के बारे में। तो वुमेंस FCI ECI मैच का पहला मैच खेला जाएगा स्पेन वुमेंस और माल्टा वुमेंस के बीच में, ठीक है। 2 बजे मैच स्टार्ट होगा दोस्तों। और वेदर की बात करें तो रेन के चांसेस नहीं है, ठीक है। वेन्यू रहेगा दोस्तों करतमा ओवल का। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस आपको देखने को मिलेगा। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो टोटल 84 मैच यहाँ पे हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 40 मैच विन किया है और बैटिंग सेकंड ने 43 मैच किया है। एक मैच जो था अबंडेंट रहा था, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलेगा 50 से 80 के बीच में, क्योंकि वुमेंस मैच है तो इतना ही एवरेज स्कोर जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्पेन वुमेंस के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगी इल्सपेथ फाउलर और नियोमी हिलमैन, ठीक है। स्पेथ फॉलर और नियोमी हिलमैन का रिकॉर्ड आप देख सकते हो, T20 के 8 मैच में 151 रन है, 21 का एवरेज है, अच्छा खासा बैटिंग कर लेती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, ठीक है। नियोमी हिलमैन T10 के 4 मैच पे 151 रन, 41 का एवरेज, 3 विकेट इसके नाम है। आपको ओपन के साथ साथ 2 ओवर की बॉलिंग भी दे सकती है, इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, इसको भी टीम में पिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, एमी ब्राउन करेरा है, राइट हैंड बैट करती हैं और T20 के 8 मैच पे 77 रन, 14 का एवरेज, 6 विकेट है, 29 29 ओवर डाल के। तो ये भी आपको 2 ओवर की बॉलिंग कराती हुई दिख सकती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद दोस्तों, पायल चिलोंगा है, लेफ्ट हैंड बैट करती है, T20 के 44 4 मैच में 65 रन, 21 का एवरेज है और 6 विकेट इनके नाम है, 14 ओवर डाल के ये पार्ट टाइम बॉलिंग कराती हैं। बाकी इस मैच में शायद ये 2 ओवर कराएं तो इंपॉर्टेंट रहेंगी, बैटिंग से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों, उसवा सैयद हैं, राइट हैंड बैट करती हैं, T20 के 8 मैच में 59 रन है और 10 विकेट इनके नाम है, 30 ओवर डाल के ये आपको 2 ओवर पूरा पूरा करते हुए दिखेंगी, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ज़रूर इनको टीम में पिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से हिप्सा बट है, T20 के 3 मैच में 5 रन है इनका। और जसप्रीत कौर है, T20 के 8 मैच में 14 रन, 3 विकेट है, ये आपको बॉलिंग करते हुए दिख सकती है, इनको पिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, सिमरनजीत कौर है और T20 के 1 मैच में 1 विकेट है, 4 ओवर डाल के, थोड़ी डिफरेंशियल हो सकती है लेकिन ज़रूर इनको टीम में पिक कर सकते हो, क्योंकि 1 मैच में इन्होंने 4 ओवर भी किया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, तसीबा मिर्जा है, इनका उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है इनका। मेमुना मोहम्मद है, T20 के 3 मैच में 2 विकेट इनके नाम है, पार्ट टाइम बॉलिंग करा सकती हैं, चाहो तो ग्रैंड लीग में एज डिफरेंशियल इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और अच्छा खासा रिकॉर्ड है तो इनको ट्राई करना बनता भी है। उसके बाद दोस्तों, रबिया मुश्ताक हैं, राइट हैंड बैट करती हैं, 6 मैच में 0 विकेट है अभी तक, 6 ओवर डाल के। बाकी मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ इनको, बाकी आप चाहो तो पिक कर सकते हो। बाकी नीचे बेंच में प्लेयर कोई भी खेलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 3 प्लेयर ऐसे भी हैं जिनके रिकॉर्ड मुझे अभी तक मिले नहीं हैं, वैसे ही मिलते हैं मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों, स्टार्टिंग के ओवर आपको जसप्रीत कौर, उस्वा सैयद, मेमुना मोहम्मद और डेप्थ में आपको उस्वा सैयद, एमी ब्राउन, करेरा बॉलिंग करती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे माल्टा वुमेंस के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो माल्टा से दोस्तों ओपन करेंगे अनुपमा रमेशन और जेसिका रायमर, ठीक है। तो ये दोनों का देख सकते हो आप, दोनों मोस्ट प्रोबेबली ओपन करना कर सकती हैं। T20 के 3 मैच में 11 रन, 5 विकेट है अनुपमा रमेशन के नाम में, और यही एक प्लेयर है जो ठीक ठाक कर सकती है, ज़रूर इनको पिक कर सकते हो। और 3 मैच में 11 रन है तो इनको कैप्टनसी वर्स कैप्टनसी देना तो थोड़ा रिस्की रहेगा। उसके बाद दोस्तों, जेसिया रायमर है, तो उसका देख सकते 3 मैच में 46 रन, 23 का एवरेज है, इनको टीम में पिक कर सकते हो, विकेट कीपिंग भी करेंगी ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, किरणमयी मंडावा है, राइट हैंड बैट करेंगी और T20 के 1 मैच में डिड नॉट बैट रही हैं, इनको पिक कर सकते हो करने के लिए, क्योंकि 1 मैच से किसी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो एज अ डिफरेंशियल इनको भी पिक कर सकते हो। सामला चोलासेरी है दोस्तों, T20 के 3 मैच में 15 रन है, 4 विकेट इनके नाम है, 10 ओवर डाल के, तो ये भी आपके लिए
दो से तीन ओवर करती हैं T20 में, बाकी T10 में तो दो ओवर पक्का कर सकती हैं, तो ज़रूर इनको भी पिक कर सकते हो, ठीक है। और ये चार प्लेयर के रिकॉर्ड ही मुझे मिले हैं अभी तक, बाकी नीचे के प्लेयर्स इनके रिकॉर्ड अभी तक मुझे मिले नहीं हैं, और किसी के पास भी आई थिंक नहीं होंगे जो आपको रिकॉर्ड देगा, वो शायद गलत रिकॉर्ड देगा, तो उसके जहाँ से बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको स्टार्टिंग के ओवर्स और डेथ के ओवर्स भी कंफर्म नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो आफ्टर टॉस जैसे ही लाइनअप वाइनअप आता है तो मैं आपको सारी चीज़ अपडेट कर दूंगा, उसके लिए दोस्तों आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक डेमो टीम की तरफ ले चलता हूँ आप लोग को। तो दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से जो ऑप्शन है दोस्तों रायमर को पिक कर सकते हो आप बेफिक्र, तो मैं रायमर के साथ गया हूँ। टीम मिर्जा इंपॉर्टेंट नहीं है, फातिमा भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बैटिंग सेक्शन से आप रमेशन के साथ जा सकते हो, ई फॉलर के साथ जा सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों मंडावा के पास भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों को आप बैटिंग सेक्शन से ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे के प्लेयर्स हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे, ठीक है, तो मैं इनको प्रीफर नहीं करूँगा। आप यस मेरी रुजा को ले सकते हो लेने के लिए, बाकी मैं इनको भी प्रीफर नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए दोस्तों। फिर उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में हिलमैन को ज़रूर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चिलोंगा इंपॉर्टेंट है, और उषा सैयद देख सकते हो, इनका काफ़ी कम रिकॉर्ड मतलब सिलेक्शन है, बाकी अच्छी प्लेयर हैं। और ए ब्राउन करेरा इंपॉर्टेंट रहेंगी दोस्तों यहाँ से। चोला सेरी को भी ले सकते हो, क्योंकि इनका रिकॉर्ड मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे के दो प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों को प्रीफर नहीं करूँगा। सीधे जा जाता हूँ दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे आपके लिए जे कौर इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इनको पिक करेंगे टीम में। और दोस्तों यहाँ से मैमुना मोहम्मद को ले सकते हो, क्योंकि मैंने इनका रिकॉर्ड भी दिखाया था, ठीक है। और जिनके भी रिकॉर्ड आपको देखना है पीछे आप जा करके पूरा रिकॉर्ड रीड कर सकते हो। बाकी अभी ये मेरी डेमो टीम है दोस्तों, जहाँ पे आप कैप्टेंसी यहाँ पे सीधे सीधे अपनी दे सकते हो, उषा सैयद को दे सकते हो, और आपके पास ए ब्राउन भी इंपॉर्टेंट है कैप्टेंसी के लिए, ठीक है। और हिलमैन भी थोड़ी कैप्टेंसी की दावेदार होती है, तो इतने प्लेयर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर देना ग्रैंड लीग की टीम में, ठीक है। आपको स्मॉल लीग की टीम आफ्टर्स और टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो यार मेहनत के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।